हाड़ कपा देने वाली ठंड में प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का 22वां दिन है। इसके बावजूद उनका हौसला नहीं टूटा है। किसानों का कहना है कि चाहे ठंड पड़े या बारिश, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम वापस नहीं जाएंगे। वहीं गुरुवार को एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। कृषि कानून को लेकर दिल्ली विधानसभा में हंगामा हो गया है। केंद्र की ओर से लाए गए तीनों कृषि कानूनों का विरोध किया गया। इसी दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सदन में ही कृषि कानून की कॉपी को फाड़ दिया और कहा कि मैं इन काले कानूनों को नहीं मानता क्योंकि ये किसानों के खिलाफ है। इसके बाद सदन में जय जवान जय किसान के नारे लगाए गए। इनकी एकमात्र दलाली हर तरफ से हम सब साथियों को शर्म आती है जब देखते हैं कि एयरपोर्ट पे क्या लिखा है, अदानी एयरपोर्ट। अदानी एयरपोर्ट लग रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया ये देश। ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के तरह हर चीज हवाले किए जा रहे हैं, हर कुछ। एयरपोर्ट भी अदानी का, रेलवे भी अदानी का, अंबानी का। 1965 में जब माननीय हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लालू शास्त्री जी ने उस वक्त कुछ पंजाब किसानों को कुछ भेजा था, कच्छ भेजा था कि भाई जाकर के वहाँ स्थिति ठीक करो, जरूर स्थिति ठीक कर दी। तो जब मोदी जी सीएम थे उस वक्त उनको वहाँ से भगाना चाहा, वो लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने उनके फेवर में जजमेंट दिया। फिर माननीय मोदी जी पीएम बन गए, उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके आए कि भाई पंजाब के किसान गुजरात में ना रहे। ये है किसान का, कहते हैं हम किसान के सहभागी हैं, किसान के हित सोचने वाले साथी हैं। अरेक्ष महोदय, मैं आज जो एक तीसरा कानून है भाई भंडारण की लिमिटेशन, अनलिमिटेड भंडारण कर दिया, और मैं अभी आपके सामने तीनों एक फाड़ूंगा क्योंकि मैं इसके विरोध में हूं, मैं इससे बहुत आहत हूं। किसान रो रहा है और ये प्रधानमंत्री हंस रहे हैं, अमित शाह हंस रहे हैं। इनको पंजाब के किसानों की चिंता नहीं है, हरियाणा किसानों की चिंता नहीं है, इनको बंगाल में चुनाव जीतना है उसकी चिंता है। क्रोनी कैपिटलिस्ट का साथ ले रहे हैं, खरबों करोड़ों ले रहे हैं जिससे कि चुनाव लड़ सके। ये कानून सिर्फ किसानों का हित नहीं है, ये कानून अहित है। सत्र की शुरुआत होने पर मंत्री कैलाश गहलोत ने एक संकल्प पत्र पेश किया।